ओम शांति। वीसीडी नंबर 3554, मुरली डेटेड 14/9/1968, क्लैरिफिकेशन डेट 19/3/2021। प्रातः क्लास चल रहा था 14/9/1968। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 14/9/1968 वॉज इन प्रोग्रेस। शनिवार को पांचवी पेज की मध्यांतिम बात चल रही थी शादी करने वालों की। ऑन सैटरडे इन द एंड ऑफ द मिडिल पोर्शन ऑफ द फिफ्थ पेज वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ दोज हु मैरी। अच्छा, शादी की, ससुर घर गए। अच्छा, यू मैरिड, यू वेंट टू द इन लॉस। तो पहले तो कन्या थी, फिर ससुर घर गए तो सबको माथा टेकना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू वर अ मेडन, वेन यू वेंट टू द इन लॉस यू विल हैव टू बो योर हेड बिफोर एवरीवन। क्यों? व्हाई? क्योंकि कल पवित्र थी, कन्या थी। इट इज बिकॉज यू वर प्योर अ मेडन यस्टरडे। तो कल और आज कितना वास्ट डिफरेंट हो गया। सो देर इज अ वास्ट डिफरेंस इन यस्टरडे एंड टूडे। कल पवित्र थी, आज पतित बन पड़ी। यू वर प्योर यस्टरडे, टूडे यू हैव बिकम इम्प्योर। तो जब शादी करते हैं और जब न शादी करते हैं तो अंतर पड़ जाता है। सो देर इज अ डिफरेंस वेन यू आर मैरिड एंड वेन यू आर अनमैरिड। शादी करते हैं तब मत्था टेकते हैं। वेन यू मैरी यू बो योर हेड। और इनको माँ बाप जो भी आए, योर पेरेंट्स और हूएवर कम्स बिफोर यू, दे बो देयर हेड। और जब शादी करते हैं तो मत्था उनको खुद टेकना पड़ता है। एंड वेन यू मैरी यू योर सेल्फ हैव टू बो योर हेड। क्यों? व्हाई? क्योंकि कल पावन थी, आज पतित बन गई। इट इज बिकॉज यू वर प्योर यस्टरडे, टूडे यू हैव बिकम इम्प्योर। तो मत्था टेकना पड़े। सो यू हैव टू बो योर हेड। तो देखो, जो पावन होते हैं उनको पतित मत्था टेकते ही रहते हैं। सो लुक, द इम्प्योर वंस बो देयर हेड बिफोर द प्योर वंस, दे कीप बोइंग। यादगार बनी हुई है मंदिरों में। इट्स यादगार इज इन द टेम्पल्स। देवताओं की मूर्तियों को पतित मनुष्य मत्था टेकते हैं। द इम्प्योर ह्यूमन बीइंग्स बो देयर हेड बिफोर द आइडल्स ऑफ द डेटीज। खुद चैतन्य है, दे देमसेल्व्स आर लिविंग। फिर मूर्तियों को भी मत्था टेकते हैं। एंड दे बो बिफोर द आइडल्स। अभी सन्यासी, ये तो ये कहेंगे अपन को कि हम पावन हैं। नाउ सन्यासीज विल कॉल देमसेल्व्स प्योर, पवित्र रहते हैं। दे विल से वी स्टे प्योर। कहते हम सन्यास तो करते हैं ना अपवित्रता का। दे से वी डू रिनाउंस इम्प्यूरिटी, डोंट वी? तो पवित्र रहते हैं। सो वी स्टे प्योर। तो देखो, बाकी जो पतित हैं, लुक द रेस्ट हु आर इम्प्योर, बस उन सन्यासी जी महाराज को रास्ते में देखेंगे। दैट्स इट, इफ दे सी सम सन्यासी महाराज ऑन द वे, तो रास्ते में भी माथा टेकेंगे। दे विल बो देयर हेड बिफोर हिम इवन ऑन द वे। नहीं तो हाथ तो जोड़ेंगे। और एल्स दे विल सर्टेनली फोल्ड देयर हैंड्स। तो फर्क देखो, यही फर्क हो जाता है। सो लुक एट दिस डिफरेंस, दिस इज द वेरी डिफरेंस। अच्छा,
कलयुग में देखो ऐसा फर्क हो जाता है। अच्छा, देर इज सच डिफरेंस इन द आयरन एज। सतयुग में तो कोई पतित नहीं होता है ना। सर्टेनली नो वन इज इम्प्योर इन द गोल्डन एज, इज देयर? तो सतयुग में ये नहीं होगा ना। सो दिस वोंट हैपन इन द गोल्डन एज, विल इट? पतित और पावन इकट्ठा वहां होगा ही नहीं। देर वोंट बी इम्प्योर वंस एंड प्योर वंस टूगेदर एट ऑल। जो एक दो को माथा टेकना पड़े, नहीं। सो दैट दे हैव टू बो देयर हेड बिफोर वन और टू, नो। वहां तो सदैव पावन ही पावन है। देर एवरी वन इज ऑलवेज प्योर। है ही पावन दुनिया। इट इज सर्टेनली द प्योर वर्ल्ड। तो पावन दुनिया में देखो कितना सुख है। सो लुक, देर इज सो मच हैप्पीनेस इन द प्योर वर्ल्ड। और कोई को भी दूसरे के आगे झुकते नहीं देखेंगे। एंड यू वॉन्ट सी एनी वन बोइंग बिफोर द अदर। क्यों? वाई? क्योंकि वहां एक ही धर्म होता है। इट इज बिकॉज देर इज ओनली वन रिलीजन देयर। और सभी वॉइसलेस। एंड ऑल आर वॉइसलेस। कोई भी विशियस नहीं। नो वन इज विशियस। और देखो उस वर्ल्ड को क्या कहेंगे। एंड लुक, व्हाट विल दैट वर्ल्ड बी कॉल्ड? वॉइसलेस वर्ल्ड। द वॉइसलेस वर्ल्ड। 14/9/1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। सिक्स्थ पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 14/9/1968। और ये वर्ल्ड है ना बच्चे। एंड दिस इज अ वर्ल्ड, इजंट इट चाइल्ड? फिर इसको कहा जाता है कलयुगी वर्ल्ड है। तमोप्रधान दुनिया, तमोप्रधान युग। देन इट इज कॉल्ड द आयरन एज वर्ल्ड, द तमोप्रधान वर्ल्ड, द तमोप्रधान एज। तो विशियस वर्ल्ड है। सो इट इज अ विशियस वर्ल्ड। यानी सारी वर्ल्ड विशियस है। इट मीन्स द एंटायर वर्ल्ड इज विशियस। एक भी वॉइसलेस नहीं। देर इजंट अ सिंगल वॉइसलेस सोल। सभी पतित है। एवरी वन इज इम्प्योर। कोई भी पावन नहीं। नो वन इज प्योर। एक भी नहीं। नॉट ए सिंगल वन। कोई कहे ये साधु संत महात्मा, नहीं। Someone may say these holy men, saints and great souls are pure. No. ये सिर्फ कहेंगे कि ऊंच नीच तो हर जगह होते हैं, नई दुनिया में भी तो पुरानी दुनिया में भी। They will just say there are superior and inferior people everywhere, in the new world as well as in the old world. कोई गवर्नर होगा पुरानी दुनिया में, कोई कलेक्टर होगा। देर विल बी सम गवर्नर इन द ओल्ड वर्ल्ड, देर विल बी सम कलेक्टर। तो पुरानी दुनिया में भी ऊंच नीच होते हैं, नई दुनिया में भी ऊंच नीच होते हैं। कोई महाराजा, फिर देखो कोई राजा। सो देर आर सुपीरियर एंड इन्फीरियर पीपल इन द ओल्ड वर्ल्ड एज वेल एज इन द न्यू वर्ल्ड। सम आर ग्रेट किंग्स एंड लुक, सम आर किंग्स। और कोई दास दासी। एंड सम आर सर्वेंट्स। कोई प्रजा। एंड सम आर सब्जेक्ट्स। तो इस पुरानी दुनिया में फिर ये जो सन्यासी हैं, देन द सन्यासीज इन दिस ओल्ड वर्ल्ड, ये तो घर छोड़ के भागते हैं ना, भगोड़े हैं। दे रन अवे लीविंग देयर होम, डोंट दे? दे आर कॉवर्ड्स।
इनको सच्चा योद्धा थोड़े ही कहेंगे, दे वोंट बी कॉल्ड ट्रू वॉरियर्स, भगोड़े, दे आर कवर्ड्स। तो उस दिन बाबा ने समझाया ना, सो बाबा एक्सप्लेन दैट डे, डिडंट ही, जो घर बार छोड़ के भागते हैं वो तो स्त्री को विधवा बनाए देते हैं। Those who run away leaving their household make their wives a widow. और बच्चों को orphans बनाए देते हैं। And they make their children orphans. तो ये तो वास्तव में बड़ा पाप का काम हुआ ना? This is actually a great sin, isn't it? अपनी ही रचना, their own creation, और रचयिता ने अपनी रचना का क्या दुर्गति कर दी? And what bad condition did the creator make of his own creation? बाबा ने बहुत समझाया, ऐसे भी समझाया। बाबा has explained a lot. He has explained like this as well. कि जब ये सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, that when these sannyasis leave their household, स्त्री विधवा बन जाती है, their wives become a widow. अभी इस दुनिया में कितनी विधवाएं बनी होंगी, खास भारत में, there must have been so many widows in this world now, especially in Bharat. और वो राजाएं को भी छुड़ा छुड़ा देती हैं। They also make the kings renounce everything. घर छोड़ाए देते हैं, बीवी बाल बच्चे छोड़ाए देते हैं। They make them renounce their home, wives and children. तुम बच्चों ने गोपी चंद राजा की कथा सुनी है? Have you children heard the story of King Gopi Chand? एक गोपी चंद राजा था। There was a king named Gopi Chand. गोपियों का चंद्रमा, the moon of the gopis. नाम रख दिया गोपी चंद। He was named Gopi Chand. कौन सी आत्मा होगी? Who will that soul be? है? Student replied, Brahma Baba, yes. ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाली ही होगी। इट विल सर्टेनली बी द सोल हु प्लेज द पार्ट ऑफ द मून ऑफ नॉलेज ब्रह्मा। क्योंकि तुम अभी परदेश में जाते हो। इट इज बिकॉज यू गो टू अ फॉरेन लैंड नाउ। वो तो अभी की बात है। दैट इज अबाउट नाउ। अरे अपना घर क्यों छोड़ते? अरे व्हाई डू यू लीव योर ओन होम? परदेश में जाते हो, मेहलमानी क्यों छोड़ा? यू गो टू अ फॉरेन लैंड, व्हाई डिड यू लीव पैलेसेस एंड मैंशंस? तो इनका बहुत गीत होते हैं। देर आर मेनी सॉन्ग्स ऑन इट, है ना? Aren't there? भाई तुम घर बार क्यों छोड़ा है? ब्रदर वाई हैव यू लेफ्ट द हाउस होल्ड? रानियों को क्यों छोड़ा है? वाई हैव यू लेफ्ट द क्वींस? सन्यासी क्यों बने हो? वाई हैव यू बिकम ए सन्यासी? कहेंगे बस उसने सन्यास लिया। इट विल बी सेड ही जस्ट रिनाउंस्ड एवरीथिंग। खलास? That's it. Everything is over. तो जब सन्यास लिया तो राजा ही को भी सन्यास किया। So, when they renounced everything, they renounced the kingship as well. रानी को विधवा बनाई दिया। They made the queen's widow. बनी ना रानी विधवा? The queen did become a widow, didn't she? जो राजकुमार है वो भी orphan बने ना? And the princess also became orphans, didn't they?
फिर विधवाओं को फिर आकर के ये सन्यासी फिर उनके गुरु बन जाते हैं। The sannyasis then become the gurus of the widows. फिर और जो है यहाँ की those who belong to this place वो उसको जो अपने हमजिंस की विधवाएं हमजिंस को विधवाएं बनाते हैं। They make their hamjins widows, hamjins meaning those of the same category. वो सन्यासियों को ले आए करके घर में देखो वो फिर उनको पूजते हैं। They bring the sannyasis home and then worship them. पानी का थाल भर करके रखते हैं। They keep a plate full of water. उस थाल में दूध डालते हैं। They pour milk in that plate. कोई पानी ही डालते हैं। Some pour just water in it. और उन सन्यासी के पैर उस थाली में डालते हैं। And they place the feet of those sannyasis in that plate, that is thali. किसमें? In what? थाली। थाली। नाम क्या रख दिया उसका? What is it named? बड़ी गहराई में घुस के थाली उसका नाम थाली। He went into the depth and assessed it, so its name is thali. तो पानी का थाल भर करके रखते हैं, उसमें सन्यासी जी के पांव डालते हैं। They keep a plate full of water and place the feet of sannyasi ji in that. कौन से पांव? Which feet? बुद्ध रूपी पांव की बात है। It is about the feet like intellect. भक्ति मार्ग में तो क्या क्या कर दिया है? What variety things have they done in the path of bhakti? पीछे बड़े बड़े घर की बड़े घर की हो या छोटे घर की हो सब उनका आकर के पैर चूमती है। लेटर ऑफ द रिच फैमिलीज वेदर दे बिलोंग टू रिच फैमिलीज और पुअर फैमिलीज एवरी वन कम एंड किस देयर फीट। है क्या? वॉट? उनकी बुद्धि को बुद्ध रूपी पांव को चूमती हैं। दे किस देयर फीट लाइक इंटेलेक्ट। और उस पानी को अमृत करके पीती एंड ड्रिंक दैट वॉटर कंसिडरिंग इट एज नेक्टर। अब अमृत कहां से निकलता है? नाउ वेयर डज द नेक्टर कम फ्रॉम? है चरणों को छूती है। दे किस देयर फीट। क्या करते हैं जिसको? वॉट डू दे डू? वो ही जो उसने हमजिंस को विधवा बनाए देते हैं उनकी इतनी पूजा करते हैं। दे दैट इज सन्यासीज हु मेक देयर हमजिंस विडो दे दैट इज द फीमेल्स वर्शिप देम सो मच। तो बेहद का बाप आकर के अब समझाते हैं ना बच्चे। सो द अनलिमिटेड फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स नाउ डजंट ही चिल्ड्रन। अरे ये कितनी मूर्ख हैं। अरे दे आर सो फूलिश। ये जो उनकी हम जिन्स को विधवा बनाने वाले हैं हम जिन्स को आर्फन बनाने वाले Those who make their humjins widow, those who make their humjins orphan, वो orphan भी जब शादी करते तो दोनों ये काम करते। When those orphans also marry, both of them do this task. जिसके साथ शादी की वो स्त्री भी धोती है पैर। The one whom they marry, the wife also washes their, that is the sannyasi's feet. तो वो भी पैर धोता है। He too washes their feet. देखो
भक्ति मार्ग में बुद्धि की बात नहीं है, वो बुद्धि रूपी पांव। लुक, इट इजंट अबाउट द इंटेलेक्ट इन द पाथ ऑफ भक्ति, इट इज अबाउट द फीट लाइक इंटेलेक्ट। पांव को ही समझ लेते हो, दे कंसिडर इट टू बी द फीट इटसेल्फ। अब ये पांव है तो रंग ना। नाउ देयर फुट इज सर्टेनली रॉन्ग, इजंट इट। ये तो सबसे नीचा अंग है, कितनी धूल लिपट जाती है देह अभिमानी की। इट इज द लोअर मोस्ट ऑर्गन, इट बिकम सो डर्टी इन द डस्ट ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। तो बाप आकर के समझाते हैं। सो द फादर कम्स एंड एक्सप्लेन्स दिस। किस दुनिया में जो बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य हैं, दैट द मोस्ट इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। चलो कोई धर्म पिता हैं, ग्रेट फादर्स भी हैं। नो मैटर इफ दे आर रिलीजियस फादर्स, द ग्रेट फादर्स, उनका भी कोई मनुष्यों में बाप है जिसे आदम कहते हैं, है। दे टू हैव ए फादर एमोंग द ह्यूमन बीइंग्स हु दे कॉल आदम। वो मनुष्यों के बीच में सबसे ऊंच बुद्धि वाला है ना। ही इज द वन हु हैज द मोस्ट एलिवेटेड इंटेलेक्ट एमोंग द ह्यूमन बीइंग्स, इजंट ही। त्रिनेत्री कहते हैं ना। ही इज कॉल्ड त्रिनेत्री, इजंट ही। तो इनको तो घर में आना ही नहीं है बिल्कुल। दे शुडंट कम टू द हाउस एट ऑल। क्यों? वाई? क्योंकि छोड़ के भागते हैं। इट इज बिकॉज दे लीव एंड रन अवे। अभी अभी भी कहते हैं, इवन नाउ दे से। देखो वो नंदा को कहते थे। लुक, दे यूज्ड टू टेल नंदा कि हम तो हर्थ एंड होम छोड़ा है ना। दैट वी हैव लेफ्ट अवर हर्थ एंड होम, हैवंट वी। अब तो सन्यासी है ना। वी आर सन्यासीज, aren't we? हम तो भ्रष्टाचार को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं ना। वी मेक द भ्रष्टाचारी इंटू श्रेष्ठाचारी, डोंट वी। कि भाई भ्रष्ट इंद्रियों के आचरणों को छोड़ दो। सेइंग ब्रदर लीव द कॉन्डक्ट ऑफ द करप्ट इंद्रिया। श्रेष्ठाचारी बनो, बिकम ए श्रेष्ठाचारी। तो वो खुद को श्रेष्ठाचारी बनते हैं। सो दे कंसिडर देमसेल्स श्रेष्ठाचारी। बाकी जो विकारी हैं उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। द रेस्ट ऑफ देम हु आर विशियस, दे दैट इज सन्यासीज, कॉल देम भ्रष्टाचारी। गृहस्थियों को भ्रष्टाचारी समझते हैं ना। दे कंसिडर द हाउस होल्डर्स भ्रष्टाचारी, डोंट दे। तो बोलते हैं हम तो देखो अच्छा काम करते हैं ना। सो दे से लुक वी डू अ गुड जॉब, डोंट वी। कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन भ्रष्टाचारी गृहस्थियों को छुड़ा करके। दोस हु आर भ्रष्टाचारी, बाय फ्रीइंग दोस भ्रष्टाचारी हाउस होल्डर्स। भ्रष्ट आचरण का धंधा छुड़ा करके भ्रष्ट इंद्रियों का श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। By freeing them of the corrupt conduct of the corrupt indriya, we make them shreshthachari. तो ये फिर सन्यासियों का मान भी बहुत रखते हैं। So they, that is the householders, also give a lot of respect to the sannyasis. परंतु काम तो सभी उल्टा करते हैं। But the sannyasis do all opposite things. देखो एक तरफ में चलो घर छोड़ते हैं। लुक ऑन वन साइड दे लीव द हाउस, और दूसरी तरफ में फिर गालियां ही गालियां देते हैं। एंड ऑन द अदर साइड दे जस्ट अब्यूज। किसको? हू है? किसको गालियां देते हैं?
Whom do they abuse? हाँ, भगवान को गालियां ही गालियां देती रहती है। Yes, they just keep abusing God. पहले पहले नंबर की गालियां। The number one abuse. अरे भाई, कोई पूछे भगवान कहाँ है? अरे ब्रदर, if someone asks where is God? हाँ, अब इतने ऊंचे ते ऊंचे धाम का रहने वाला जिसके लिए गीत भी गाते हैं, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। द रेसिडेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाई अबोर्ड फॉर हुम देर इज ऑल्सो अ प्रेज, हाईएस्ट इज योर अबोर्ड, हाईएस्ट इज योर टास्क एंड हाईएस्ट इज योर नेम। फिर उसके लिए कह देते हैं जरा व्यापी है। देन दे से फॉर हिम दैट ही इज ऑमनी प्रेजेंट, कण कण में है। He is in every particle. अरे पांव की मिट्टी मिट्टी में भी बताए देते हैं, कण कण। अरे they also say he is in the dust of the feet, in every particle. अरे भला, तो फिर योग किससे रखते हो? अरे well, with whom do you have yoga? है? कण कण के साथ योग रखते हो? डू यू हैव योगा विथ एवरी पार्टिकल? कुत्ते बिल्लियों के साथ योग रखते हो? डू यू हैव योगा विथ डॉग्स एंड कैट्स? कहते हम तो ब्रह्म से योग रखते। दे से दैट वी हैव योगा विथ ब्रह्म। अरे ये ब्रह्म क्या है? अरे व्हाट इज दिस ब्रह्म? कहते ब्रह्म तो ईश्वर है। They say that Brahm is God. अब ब्रह्म कहो या ब्रह्मा कहो, अर्थ क्या होता है? Now call it Brahm or Brahma, what is its meaning? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। ब्रह्म means senior and माँ means mother. जो बड़े से बड़ी माँ है उसको कह देते हैं ब्रह्म, ईश्वर है। They call the senior most mother, the Brahm, God. अरे अरे क्या भला ब्रह्मा वो जो है वो ब्रह्म सर्वव्यापी है? अरे is that Brahm omnipresent? जो ऊंचते ऊंच धाम है वो इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में, कलयुग दुनिया में व्यापी है? Is the highest of the high abode prevalent in this world, the old world, the iron age world? कहीं शांति दिखाई पड़ती है? इज पीस विजिबल एनीवेयर? है उसको तो शांति धाम कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड द अबोड ऑफ पीस। हाँ यस, कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है। दे से ब्रह्म इज गॉड, वो सर्वव्यापी है। ही इज ओमनी प्रेजेंट। अरे वो ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं ना? अरे दे कॉल ब्रह्म गॉड, डोंट दे? तो फिर बाप आकर के कहते हैं कि बच्चे ये इनका भ्रम है। देन द फादर कम्स एंड सेज चिल्ड्रन दिस इज देयर मिस अप्रिहेंशन। क्या जो बड़ी अम्मा जगदम्बा को क्या कह देते हैं? वॉट दैट What do they call the senior mother, Jagadamba? है? वे वो ईश्वर है। है? ईश्वर है? They say she is Dev, that is ईश्वर, God. Is she ईश्वर? है? उसको ईश्वर कहेंगे। ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ। Will she be called ईश्वर? ईश means the one who rules. वर मीन्स एलिवेटेड। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करने वाली है? नहीं। इज शी द वन हु रूल्स इन एन एलिवेटेड वे? नो। तो देखो ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं। सो लुक दे हैव सच मिस अप्रिहेंशन। अब बाप कहते हैं ये ब्रह्म कोई ईश्वर नहीं है। नाउ द फादर सेज दिस ब्रह्म इजंट ईश्वर। ये इनका बड़ा भारी भ्रम है। जो उनको कहते हैं
ईश्वर है. दिस इज अ ग्रेट मिसअप्रिहेंशन ऑफ देयर्स दैट दे कॉल ब्रह्म ईश्वर. तो कोई भी वापस जाता ही नहीं है बेचारा. सो नो पुअर वन रिटर्न्स बैक एट ऑल. अरे इतने धर्म पिताए हुए. अरे देर हैव बीन सो मेनी रिलीजियस फादर्स. सब सन्यासी हुए ना. ऑल आर सन्यासीज aren't they? है जो बाप का घर है बनाया हुआ नई दुनिया स्वर्ग है हेवन. द होम मेड बाय द फादर द न्यू वर्ल्ड स्वर्ग हेवन. है उसको मन बुद्धि से भी छोड़ देते हैं ना. दे रिनाउंस इट थ्रू द माइंड एंड इंटेलेक्ट एज वेल डोंट दे. कहते हैं. डू दे से स्वर्ग को ऊंचा समझते हैं. नहीं. डू दे कंसिडर हेवन द हाइएस्ट. नो. कहते हैं स्वर्ग के सुख का अगविष्ट है समा. दे से द प्लेजर्स ऑफ हेवन आर लाइक द ड्रॉपिंग्स ऑफ ए क्रो. तो संन्यास भी करते हैं. सो दे रिनाउंस एवरीथिंग. तो भी कोई वापस नहीं जाते. इवन देन नो वन गोज बैक. पवित्र होके वापस जाए शांति धाम और सुखधाम में जावे. दे मे बिकम प्योर एंड गो बैक टू द अबोर्ड ऑफ पीस एंड द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस. अरे उनके लिए तो ये पक्का है कि ये एक हो ही नहीं सकता. अरे इट इज सर्टेन फॉर देम दैट इट इजंट पॉसिबल एट ऑल. हो ही नहीं सकता है. क्यों. इट कैंट बी पॉसिबल एट ऑल. व्हाई. क्योंकि एक ही है सर्व की सदगति दाता. इट इज बिकॉज देर इज ओनली दी वन हु ब्रिंग्स सदगति टू ऑल. और वो सर्व का सदगति दाता मैं एक ही हूं. एंड आई एम द ओनली वन हु ब्रिंग्स द ट्रू लिबरेशन टू ऑल. क्या एक बिंदी. नहीं. वॉट वन अ पॉइंट. नो. बिंदी जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है तब कहा जाता है वो एक ही व्यक्तित्व एक ही पर्सनालिटी है सबका सदगति दाता. व्हेन द पॉइंट एंटर्स द परमानेंट चैरियट देन इट इज सेड दैट इट इज द ओनली वन पर्सनालिटी हु ब्रिंग्स सदगति टू ऑल. इसलिए कहते हैं सबका सदगति दाता साकार या निराकार. दैट इज व्हाई इट इज सेड is the one who brings sadgati to all corporeal or incorporeal. Saka. Yes, corporeal. Ek sakar bhi hai lekin nirakar bhi hai. The one is corporeal as well as incorporeal. Sakari so nirakari. He is corporeal then incorporeal. To main aata hi hun isliye. So I come for this very reason. किस लिए. For what. सबा कही सदगति करने के लिए. To bring सदगति of all. अर्थात सबको पवित्र बनाने के लिए. Meaning to make everyone pure. एक पवित्र होकर के शांति धाम में रहते हैं. One becomes pure and stays in the abode of peace. एक पवित्र होके सुखधाम में रहते. One becomes pure and stays in the abode of happiness. क्या. What. उन्होंने शास्त्रों में श्लोक लिख दिया है तो भी नहीं जानते क्या. They have written a shloka in the scriptures. Even then, they don't know. कैसा अच्छा है श्लोक लिखा है. दे हैव रिटन सच अ नाइस श्लोक. द्वासुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते. द्वासुपर्णा सुयजा सुखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते. ये षष्ठी रूपी वृक्ष है इसमें दो चिड़ियाएं हैं. दिस इज अ ट्री लाइक वर्ल्ड. There are two birds on it.
एक है भोगी और एक है अभोक्ता. वन इज भोगी एंड द अदर इज अभोक्ता. एक वृक्ष की फल खाने वाला है और एक वृक्ष में रहता तो है लेकिन फलों को नहीं खाता. वन ईट्स द फ्रूट्स ऑफ द ट्री एंड द अदर वन डज लिव ऑन द ट्री बट डजंट ईट द फ्रूट्स. अब यहाँ तो दुखधाम है. नाउ इट इज द अबोर्ड ऑफ सोरो हियर. सभी अपवित्र हैं. एवरीवन इज इम्प्योर. तो इसको इसीलिए कहा जाता है अपवित्र दुनिया. दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द इम्प्योर वर्ल्ड. एक भी मनुष्य मात्र नहीं जो पवित्र हो. देयर इजंट अ सिंगल ह्यूमन बीइंग हु इज प्योर. इसको कहा जाता है दुखधाम. सो दिस इज कॉल्ड द अबोर्ड ऑफ सोरो. कोई कहे क्यों दुखधाम कहते हो. Someone may say, why do you call it abode of sorrow? अरे भाई कोई है जो बीमार न पड़ता हो. अरे ब्रदर इज देयर समवन हु डजंट फॉल इल. सब बीमार होते हैं. एवरीवन फॉल्स इल. देखो अच्छा खासा मोटा ताजा पहलवान देखने में आता है. लुक अ गुड अ वेल बिल्ट स्टडीली बिल्ट मैन इज विजिबल. है ये बैठे बैठे बीमार हो गया. ही फेल इल ऑल ऑफ ए सडन. कल अच्छा था अभी बीमार हो गया हार्ट फेल हो गया. ही वॉज फाइन यस्टरडे नाउ ही फेल इल ही हैड हार्ट फेलियर. होता है ना. इट हैपेंस डजंट इट. यस. तो तुम उस सुखधाम के मालिक थे. सो यू वर द मास्टर्स ऑफ दैट अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस. जहाँ सुख ही सुख था दुख का नाम निशान कभी नहीं होता था. वेयर देर वॉज हैप्पीनेस एंड ओनली हैप्पीनेस देर वॉजंट एवर नेम एंड ट्रेस ऑफ सोरो. पीछे ये द्वापर युग से रावण राज्य आया. Later, the kingdom of Ravan began from the Copper Age. इसको कहेंगे द्वैतवादी युग. It will be called the dualistic age. इसलिए रावण को अनेक सिर दिखाते. This is why Ravan is shown to have many heads. अनेक मत देने वाला. He is the one who gives many directions. अनेक बुद्ध रूपी सिर वाला. He is the one with many intellects like head. तो देखो जब ऐसे रावण का राज्य आता है जो अनेक मतें देता है अनेक बातें सुनाता है. So look, when the kingdom of such Ravan begins, who gives many directions, who narrates various things, तो तुम दुखधाम के मालिक बन गए उसके संग के रंग में आकर के. You have become the masters of the abode of sorrow by coming in the color of his company. तभी बाप कहते हैं. क्या कहते हैं? It is then that the father says, what does he say? क्या? बच्ची, अभी तुम पराए राज्य में हो. What? Daughter, you are now in an alien kingdom. तुम अपने राज्य में नहीं हो. You aren't in your own kingdom. तुम सब सीताएं हो. You all are सीतास. रावण के बंधन में आ गए हो. You have come in the bondage of Ravan. पराए राज्य में आ गए. You have come in an alien kingdom. ये पराया राज्य है ना तुम्हारा राज्य थोड़े ही है. It is an alien kingdom, isn't it? It is certainly isn't your kingdom. राम राज्य थोड़े ही है. It certainly isn't the kingdom of Ram. 14968 की प्रातः क्लास का सातवां पेज. 7th page of the morning class dated 14/9/1968.
तुमने मेरी मत पर कल्प कल्प मेरी मत पर तुम स्वर्ग स्थापन करते हो. यू एस्टेब्लिश हेवन ऑन माई डायरेक्शन एवरी कल्पा. और नई दुनिया का राज्य लेते हो. एंड टेक द किंगडम ऑफ द न्यू वर्ल्ड. और फिर क्या होता है? What happens later? फिर बाद में वो राम राज्य आने से पुरानी दुनिया हो जाती है. Later, it becomes an old world by the arrival of the kingdom of Ravan. पति तो हो जाता है. It becomes impure. तो ये तो बच्चों ने समझा. So, the children have understood it. समझा ना? You have understood, haven't you? कि तुम कितना जन्म सुखधाम में रहते हो स्वर्ग में. That how many births you stay in the abode of happiness in heaven? फिर कितना जन्म दुखधाम नरक में रहते हो. Then how many births you stay in the abode of sorrow, hell? पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे आधा टाइम दुखधाम में आधा टाइम सुखधाम. इफ बाबा आस्क्स द चिल्ड्रन विल आंसर दैट हाफ द टाइम इन द अबोड ऑफ सोरो एंड हाफ द टाइम इन द अबोड ऑफ हैप्पीनेस. अरे जन्म पूछते हैं. अरे आई आस्क यू द बर्थ्स. कितना जन्म? हाउ मेनी बर्थ्स? तो कहेंगे 21 जन्म सुखधाम में रहते और 63 जन्म दुखधाम में रहते. अरे तो आधा आधा कहाँ हुआ? दे विल से दैट 21 बर्थ्स वी स्टे इन द अबोड ऑफ हैप्पीनेस एंड 63 बर्थ्स वी स्टे इन द अबोड ऑफ सोरो. अरे सो वेयर इज इट इक्वली हाफ? कहेंगे बाबा सुखधाम में लंबी आयु होती है आत्मा की. आत्मा पावरफुल होती है तो लंबी आयु होती है. They will say that, Baba, the life of the soul in the body is long in the abode of happiness. If the soul is powerful, its life in the body is long. दुखधाम में आयु कमती होती जाती है तो ज्यादा जन्म होते हैं. The lifespan keeps decreasing in the abode of sorrow, so there are more births. इसलिए कहते हैं कि दुखधाम नरक में 63 जन्म रहते हैं. दिस इज वाई दे से दे स्टे इन द अबोड ऑफ सोरो हेल फॉर 63 बर्थ्स. तो उसको कहा जाता है सो दैट इज कॉल्ड. जहां कम जन्म होते हैं और लंबी आयु होती है उसको कहा जाता है सुखधाम. वेयर देर आर फ्यूअर बर्थ्स एंड द लाइफ स्पैन इज लॉन्ग It is called the abode of happiness. Swargavasi. The residence of heaven. फिर यहाँ इसको कहा जाता है नरकवासी. कीड़े मकोड़ों में हासिल है माफिक है. Then here they are called the residence of hell like the insects and the spiders. जैसे दीपावली पर. Just like on Deepavali. वो पतंगे होते हैं ना रात में कितने पतंगे पैदा हो जाते. देर आर मॉथ्स aren't there? सो मेनी मॉथ्स कम एट नाइट. और सवेरे को देखो सब मर पड़े. एंड लुक ऑल आर डेड बाय मॉर्निंग. तो द्वापर से लेकर के नरकवासी बनते हो. सो यू बिकम द रेसिडेंस ऑफ हेल फ्रॉम द कॉपर एज. क्यों? वाई? क्योंकि वहां स्वर्गवासी तो नरक में रहते ही नहीं है. इट इज बिकॉज द रेजिडेंस ऑफ हेवन डोंट रिसाइड इन हेल एट ऑल. वहां कौन रहते हैं? हु रिसाइड देयर? देवताएं रहते हैं. डू द डेटीज रिसाइड? के नर रहते हैं. और ह्यूमन बीइंग्स रिसाइड? नर रहते हैं. यस Human beings reside. तो नर क्या बनाएगा? नर नरक बनाता है. So what will नर meaning a man create? नर creates नरक. तो
नरक में ही फिर रहते हैं, नरकवासी कहा जाता है। सो दे रिसाइड इन हेल इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड द रेसिडेंट्स ऑफ हेल। तो जो मनुष्य स्वर्ग में देवताएं थे, सो द ह्यूमन बीइंग्स हु वर डेटीज इन हेवन, वास्तव में उनको मनुष्य तो नहीं कहेंगे। इन रियलिटी दे वोंट बी कॉल्ड ह्यूमन बीइंग्स। मन उनका कहां चलता है वहां स्वर्ग में? वेयर डज देयर माइंड बिकम इनकॉन्स्टेंट देयर इन हेवन? मन चलायमान होता है? इज देयर माइंड इनकॉन्स्टेंट? ये तो द्वैतवादी द्वापर युग जब आता है, अनेक धर्म होते हैं, अनेक राज्य होते हैं, अनेक मतें होती हैं। When the dualistic copper age begins, when there are many religions, many kingdoms, many opinions, तो फिर उनको नर कहा जाता है। They are called nar. विकारी बन जाते हैं। They become vicious. ओम शांति। ओम शांति।